हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि सभी लोग हमारे घर की तारीफ करते, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह अपना घर डेकोरेट करा है। चलो मैं आपको हॉल से स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से मैं अंदर आई थी। यह है हमारा हॉल, ये आप देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं और छोटा ही है। और ये सोफ़ा तो काफ़ी पुराना हो गया है, यहाँ पर हमने फैमिली फ़ोटो लगाई है और ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये है मनी प्लांट, यहाँ पर मैंने मनी प्लांट रखे हुए हैं, थोड़े बहुत सजाने की चीज़ें रखी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये वॉशरूम है यहाँ पर, और यह है आहान का रूम, जो कि हमने बिल्कुल आहान के हिसाब से डेकोरेट किया है। हेलो आहान, कैसे हो? ठीक है। ये किसका रूम है? मेरा। ये आहान का रूम है? हाँ, इसमें मैं रहता हूँ। ओके, रूम में तो है। अच्छा, हाँ? ये आहान की अलमीरा है? हाँ। और यहाँ पे मेरे पापा थे, हमारी है। अच्छा, वो आपके पापा की अलमारी है? ओके, ये इसके पापा की अलमारी है। और ये हमारा मंदिर, और यहाँ पर रखा हुआ है कैरम बोर्ड। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा छोटा सा किचन, ये भी फ्रिज है, ये मैंने यहाँ पर डेकोरेट करा हुआ है थोड़ा सा। और ये हमारा छोटा सा किचन, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है किचन, यहीं पर ही मैं कुकिंग करती रहती हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे। और ये मैंने सब कुछ कुछ ऑनलाइन मंगा रखे हैं, कुछ कुछ ऑफलाइन है, मार्केट में जा जाके शॉपिंग करी है। और अब मैं आपको अपने बेडरूम में लेके चलती हूँ। ये है हमारा बेडरूम, ये आहान के फर्स्ट बर्थडे का शूट था तो उसकी फ़ोटोज़ है। बेड भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्वीन साइज़ का बेड है। ये अलमीरा है, और ये यहाँ पर एक वॉशरूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वॉशरूम। और अब मैं दिखाती हूँ आपको बाथरूम, यह है हमारा इंग्लिश टॉयलेट, यह है ड्रेसिंग, यह है सोफे का छोटा सा काउच, तो मैं जैसे कपड़े वगैरह लेके आती हूँ ना, सब इसके ऊपर रख देती हूँ। और यह है हमारी बालकनी, तो बालकनी भी हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट अभी बारिश हो रही है तो उसका क्लिप मुझे ऐड करना पड़ेगा। और गाइस, बालकनी हमारी काफ़ी छोटी है, इस वजह से मैंने जो मतलब कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है वो मेरे मतलब पूरे ऊपर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई, बहुत ही यूज़फुल है ये। एक्चुअली मैंने अपनी एक फ्रेंड के यहाँ देखा था तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे क्या होता है कि नीचे स्पेस बच जाता है। और अगर आपको मेरा प्यारा सा घर अच्छा लगा तो प्यारे प्यारे कमेंट करना। मैं मिल रही तुम होते अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।